हेलो चिल्ड्रेन, आई एम एसएसटी सब्जेक्ट टीचर, आई एम विनीत कुमार सिंह। टुडे आई एम वाचिंग अबाउट द नॉर्थर्न माउंटेन। द टू पार्ट्स ऑफ देयर आर टू पार्ट नॉर्थर्न माउंटेन। फर्स्ट द काराकोरम रेंज, सेकेंड हिमालय रेंज। काराकोरम का थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, द नॉर्थर्न मोस्ट रेंज इज कॉल्ड द काराकोरम माउंटेन रेंज। माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम नोन एज द K2, द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इट इज लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज। इट्स हाईएस्ट 8611 मीटर। सेकेंड पार्ट ऑफ नॉर्थर्न माउंटेन्स, द हिमालय रेंज। हिमालय रेंज को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को दूसरा नाम हम हिमाद्री रेंज भी बोल सकते हैं, मिडिल हिमालय को दूसरा नाम हिमाचल रेंज भी बोल सकते हैं, आउटर हिमालय को द शिवालिक रेंज भी बोल सकते हैं। अब हम इसको मेनी मेनी पार्ट, विभिन्न पार्ट में हम इसको बांट करके एक्सप्लेन करेंगे ये तीनों रेंजेस को। फर्स्ट पार्ट में हम बांटते हैं लोकेशन, हाइट। फर्स्ट पार्ट है लोकेशन, सेकंड पार्ट है हाइट, थर्ड पार्ट है माउंटेन, फोर्थ पार्ट है रिवर, फिफ्थ पार्ट है हाईएस्ट पीक और सिक्स्थ पार्ट है हिल स्टेशन। लोकेशन हम देखते हैं ग्रेटर हिमालय यानी हिमाद्री रेंज का। लाइज इज एक्सट्रीम नॉर्थ। मिडिल हिमालय लोकेटेड टू द साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय, आउटर हिमालय नोन एज द शिवालिक हिमालय। इट इज द साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। हाइट ये जो ग्रेटर हिमालय है ये सबसे ज्यादा इसका हाइट है, ये सबसे हाईएस्ट है। इससे कम यानी लोअर देन ग्रेटर हिमालय और इससे भी कम लोअर देन मिडिल हिमालय। माउंटेन थर्ड पार्ट में हम माउंटेन में कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर ग्लेशियर आर फाउंड। ये हमेशा स्नो बर्फ से ढका रहता है। स्लोप्स आर कवर्ड विथ पाइन फॉर एंड देवदार। ये योर फॉर देवदार यहाँ छाए रहते हैं, वो कवर किए रहते हैं। कवर्ड विथ फॉरेस्ट वाइड एंड फॉरेस्ट, वहां पर जो है सो आउटर हिमालय में कवर किए रहते हैं फॉरेस्ट और जंगली जानवर। तीसरे पार्ट यानी माउंटेन में है, थर्ड पार्ट में कवर्ड विथ स्नो थ्रू द ईयर ग्लेशियर आर फाउंड, यहाँ बर्फ से ढका रहता है। स्लोप्स आर कवर्ड विथ फायर एंड देवदार। और फिर हम आते हैं हिमालय रेंज में, कवर्ड विद फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल और फाइन, यहाँ पर जंगल और जंगली जानवर वगैरह कैप्चर किए रहते हैं। चौथा में हम रिवर के बारे में देखेंगे। ग्रेटर हिमालय में गंगा, यमुना, इंदुस और ब्रह्मपुत्र ये नदी आते हैं, वहीं से ये निकलते हैं, गंगा गंगोत्री से और यमुना यमुनोत्री से। फिर देखते हैं मिडिल हिमालय में, नो एनी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द मिडिल हिमालय, यहाँ कोई रिवर नहीं निकलता है। आउटर हिमालय, नो एनी रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आउटर हिमालय। हाईएस्ट पीक में देखेंगे ये ग्रेटर हिमालय में हाईएस्ट पीक कंचनजंगा, हाइट ऑफ कंचनजंगा इज 8586 मीटर। मिडिल हिमालय यानी हिमाचल रेंज नो हाईएस्ट पीक। फिर आउटर हिमालय नो हाईएस्ट पीक, यहाँ पर कोई पीक नहीं है। हिल स्टेशन हिमालय में कोई हिल स्टेशन नहीं है क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर रहता है और वहां पे बर्फ से ढका रहता है, यहाँ कोई हिल स्टेशन नहीं है। मिडिल हिमालय यानी शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल, मसूरी और दल हाउस
लाउसी, ये सभी जो है सो वहाँ पे हिल स्टेशन है मिडिल में। और फिर हम आउटर में जाएंगे तो शिवालिक रेंज में, यहाँ पर भी कोई हिल स्टेशन नहीं है। एक्सप्लेन लाइफ इन द नॉर्थर्न माउंटेन। दिस स्टेट लाइफ इन द नॉर्थर्न माउंटेन आर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। लाइफ इन द नॉर्थर्न माउंटेन, नॉर्थर्न माउंटेन का जो क्या लाइफ है हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। दिस स्टेट लाइफ इन द नॉर्थर्न माउंटेन आर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम एंड द नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर एंड त्रिपुरा ऑल्सो बिलोंग टू दिस रीजन। इसमें जो है सो नॉर्थर्न माउंटेन के अंदर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर एंड त्रिपुरा, ये सभी स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न में आएगा। अब सभी स्टेट का थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग इसके बारे में समझिए और देखिए। जम्मू एंड कश्मीर, दिस स्टेट लाइज इन द लेक्स ऑफ हिमालयाज। द कश्मीर वैली इज सो ब्यूटीफुल दैट इट इज कॉल्ड द पैराडाइज ऑन अर्थ। यानी ये धरती, जम्मू कश्मीर जो है वो धरती का स्वर्ग। द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हैज टू कैपिटल, श्रीनगर ड्यूरिंग समर एंड जम्मू ड्यूरिंग विंटर। अब जम्मू एंड कश्मीर के ऑक्यूपेशन के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन जम्मू कश्मीर इज एग्रीकल्चर, ग्रोइंग राइस, मैजी, रजमा, सैफरन एक्सेट्रा। पीपल स्पीक, वहाँ पे जो है सो लाइफ स्टाइल क्या है, जम्मू एंड कश्मीर का लाइफ स्टाइल क्या है, तो वहाँ उसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों के सामने। पीपल स्पीक जो है सो कश्मीरी, लद्दाखी, डोगरी एंड उर्दू। श्रीनगर सिटी, गुलमर्ग, पहलगाम, अमरनाथ कैप्स, वैष्णो देवी टेम्पल, लद्दाख, लेह आर फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स। ये सभी जम्मू एंड कश्मीर का फेमस स्पॉट्स है। फिर हम ईद एंड शिवरात्रि, वहाँ का मेन फेस्टिवल है लाइफ स्टाइल में। ईद और जो है सो शिवरात्रि वहाँ का मेन फेस्टिवल है। फिर फेमस प्लेसेज में आएगा आपको श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और अमरनाथ कैप्स, वैष्णो देवी टेम्पल वगैरह। कश्मीर का स्पेशल कुछ ऐसा स्पेशल है जिसमें वहाँ के बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। जैसे वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट कश्मीरी लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं। वहाँ पर लकड़ी और कारपेट ये सब का भी काम। साल जो हम लोग यहाँ गर्मी के दिन में भी, ठंडा के दिन में भी, सॉरी ठंडा के दिन में भी लोग आते हैं और उस वहाँ पश्मीना साल बहुत फेमस है, वहाँ से लोग लेकर के आते हैं, यहाँ पे बेचते हैं। फिर आएंगे ये जम्मू एंड कश्मीर का हो गया। फिर हम आएंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल मीन्स द लैप ऑफ स्नो। दिस स्टेट इज सिचुएटेड इन द रेंज ऑफ द हिमालय। जो हम मिडिल रेंज, जिसको हम लोग हिमाचल रेंज जो बोलते हैं, मिडिल रेंज उसको हम लोग लैप ऑफ स्नो भी बोलते हैं, उसका कैपिटल शिमला है। शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑक्यूपेशन, हिमाचल प्रदेश का ऑक्यूपेशन क्या है इसके बारे में बताएंगे। जो है सो अनदर ब्यूटीफुल स्टेट इज हिमाचल प्रदेश एंड शिमला इज द कैपिटल। ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, तो हिमाचल प्रदेश का ऑक्यूपेशन के बारे में बताना चाहते हैं। ऑक्यूपेशन ऑफ दिस स्पीक पहाड़ी एंड हिंदी लैंग्वेज। कल्लू, मनाली, शिमला, डलहौजी,
Dharamshala are main tourist spots here. ये हिमाचल प्रदेश का हो गया। इसके बाद हम आपको उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर, कैटल रेड ग्रो, क्रॉप ग्रोन हियर आर राइस, व्हीट, मैगी एंड वेजिटेबल्स। वहाँ के लाइफ स्टाइल, हिंदी एंड गढ़वाली आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इंग्लिश। हिंदी एंड गढ़वाली आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हियर। अब सिक्किम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। सिक्किम इज फेमस बिकॉज थर्ड हाईएस्ट पीक हिमालयाज कंचनजंगा व्हिच लाइज हियर। अब चलते हैं नॉर्थर्न ईस्ट। नॉर्थर्न ईस्ट में द ग्रुप ऑफ सेवन स्टेट, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम आर द कॉल्ड ऑफ सेवन सिस्टर्स। एक्सप्लेन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन फिशिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन। झूम इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। दे ग्रो राइस, मैगी, मिलेट, वाइल्ड सीड्स एंड टोबैको। लाइफ स्टाइल, मेनी ट्राइब्स वेयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस विच आर कलरफुल। फेमस प्लेसेस, त्वांग, त्वांग इज द फेमस प्लेसेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मेघालय, एक्सप्लेन ऑफ मेघालय। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। ऑक्यूपेशन, पीपल हियर आर मोस्टली फार्मर। दे ऑल्सो प्रैक्टिस झूम मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इन मेघालय। लाइफ स्टाइल, द मेन ट्राइब्स आर गारो, खासी एंड जयंतिया। स्पेशल, स्पेशल में वहाँ का मेघालय के बारे में, शिलोंग इज द ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन मेघालय। इसमें फिर चलते हैं नागालैंड। कोहिमा, एक्सप्लेन ऑफ नागालैंड। कोहिमा इज नागालैंड। ऑक्यूपेशन, द नागाज आर मेनली फार्मर एंड हंटर्स। राइस इज द मेन फूड ऑफ नागालैंड। लाइफ स्टाइल, इट इज द होमलैंड ऑफ द फेमस नागा ट्राइब। दे आर वेरी ब्रेव पीपल। नागाज स्पीक्स इंग्लिश। क्रिसमस एंड ईस्टर आर द मेन फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। फेमस प्लेसेस, दीमापुर एंड कोहिमा आर टू इंपॉर्टेंट टाउन्स ऑफ नागालैंड। एक्सप्लेन ऑफ मणिपुर। इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। दे ग्रो राइस, मैगी, शुगर केन, कॉटन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। लाइफ स्टाइल ऑफ मणिपुर, द पीपल ऑफ मणिपुर लिव इन सिंपल लाइफ। दे ईट राइस, दाल, फिश एंड वेजिटेबल्स। वुमेन वेयर स्कर्ट्स। फेमस प्लेसेस ऑफ मणिपुर, विष्णु टेम्पल एंड लेक आर फेमस प्लेसेस। एक्सप्लेन ऑफ मिजोरम। आइजवाल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर। मेजर कैश क्रॉप्स आर मस्टर्ड, सीसम एंड द पोटैटोज। राइस इज द मेन फूड। लाइफ स्टाइल ऑफ मिजोरम, मिजो स्पीक्स इंग्लिश। देयर बम्बू डांस इज फेमस, वेरी फेमस। फेमस प्लेसेज ऑफ मिजोरम, प्रेस्टेरियन चर्च मिजोरम, मिजोरम बैप्टिस्ट, रोमन कैथोलिक्स। थैंक यू बच्चों, कुछ जो है सो इस चैप्टर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। इस चैप्टर को हमने एक्सप्लेन किया और इसका क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आप लोग के मोबाइल पर पहले भेज दिया गया है, और उसको आप लोग जो है सो खूब साफ सुथरा राइटिंग में, क्लीन राइटिंग में उसको शेयर कीजिए, उसको पढ़िए, याद कीजिए, बुक को पढ़िए, समझिए, और फिर जब इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिया जाएगा, स्कूल खुलेगी तब डिबेट किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग अबाउट चैप्टर टू। आई होप, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।